नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू सब सॉल्यूशंस। तो ये हमारी जैस्मिन फ्रेमवर्क की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में अभी तक हमने देखा है कि जैस्मिन फ्रेमवर्क क्या होता है, यूनिट टेस्ट केसेस क्या होते हैं, यूनिट टेस्ट केसेस हम क्यों लिखते हैं किसी भी एक एप्लीकेशन में, और साथ ही हमने कैलकुलेटर प्रोग्राम एक बेसिक बना चुके हैं और आगे चल के हम उन्हीं बेसिक फंक्शंस जो हमने फंक्शंस लिखे हैं, मेथड लिखे हैं उस कैलकुलेटर प्रोग्राम में, हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट टेस्ट केसेस लिखेंगे। ठीक है, सो अभी भी अगर आपने प्रोग्राम्स में लास्ट वीडियोस में देखे होंगे और साथ में किए होंगे, और जैसा कि अगर आप इस वीडियो के टाइटल से देख भी सकते हैं, अभी भी उसमें वैलिडेशन करना बाकी है। तो वैलिडेशन, सो बेसिक वैलिडेशन क्या होते हैं दोस्तों? अगर हम सिंपल इंग्लिश में देखें तो वैलिडेशन का मतलब होता है कि द एक्शन ऑफ चेकिंग और प्रोवाइडिंग द वैलिडिटी और एक्यूरेसी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ को अगर हम चेक करते हैं कि वो कितनी एक्यूरेट है, तो उसको वही उसका वैलिडेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में भी हम वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे? कोई भी हम चेक लगाते हैं, जो हमारी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है उसके अगेंस्ट हम चेक्स लगाते हैं, ठीक है, कंडीशंस लगाते हैं, और अगर वो प्रोग्राम उन चेक्स की उन कंडीशंस के अगेंस्ट पास हो जाता है तो वो वैलिड, दैट मीन्स कि वो वैलिडेट हो गया। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर इट सेटिस्फाइड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, यही हमारा सॉफ्टवेयर वैलिडेशन होता है। तो अभी इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि जो हमने सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर जो प्रोग्राम बनाया है उसमें कितना स्कोप है वैलिडेशन लगाने का, यूजर क्या क्या इनपुट कर सकता है और भी कीबोर्ड से। ठीक है, तो हम कैसे अपने प्रोग्राम को बचा सकते हैं कि यूजर ने जो इनवैलिड डेटा इनपुट किया है वो जाके कैलकुलेट ना हो, वो एरर थ्रो ना करे, इतना प्योर हम अपना प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम है, यहाँ तक हम कर चुके थे। देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे ब्राउजर पर ले जाकर दिखाती हूँ। हमने यूजर से वैल्यूज इनपुट कराए हैं यहाँ पे, अगर हम करते हैं 1+2 हमें रिटर्न होता है 3, अगर हम करते हैं 1/1 हमें रिटर्न होता है 1। ठीक है, तो ये परफेक्ट चल रहा था हमारा। बट क्या हमने इस सिनेरियो के बारे में सोचा कि देखिए, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड ना करके, क्योंकि कीबोर्ड तो ओपन है यूजर के लिए, यूजर तो कुछ भी की प्रेस कर सकता है। ठीक है, इन केस अगर यूजर ने प्रेस किया ए डिवाइडेड मीन्स 1a5, क्या आया? कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। ठीक है, मैंने बोला 1? 3 कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। मैंने बोला 1> 5 कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। तो ये क्यों आ रहा है, ये ऑपरेटर में यहाँ पे नल क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन बनाया था वो अगेंस्ट बनाया था किसके, हम सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चेक करा रहे थे। ठीक है, इतनी चीजें हम चेक करा रहे थे, उसके अलावा हमने कुछ भी चेक नहीं कराया है, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, राइट? सो कोई भी अगर आप ऐसे इनवैलिड ऑपरेटर डालेंगे तो आपको वो नल देगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ऑपरेटर ऑपरेशन हमने कहाँ पे लिए थे, यहाँ पे लिए थे, इस ये जो वेरिएबल है हमारा ऑपरेशन, यहाँ पे हमारा सारे ऑपरेटर्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ, ठीक है, नल। अभी हमारा किस में मिल रहा है, ऑपरेशन जो वेरिएबल है इसमें मिल रहा है हमको। तो अगर मैं बोलती हूँ ऑपरेशन इज इक्वल टू नल, सो आप क्या कर दो, क्या कर दो, हम अभी जो ये आउटपुट है हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है हमें आउटपुट, ये हमें कहाँ पे किस वेरिएबल में हम लेके आ रहे थे, ये देखिए फंक्शन, हमें शो आउटपुट हमने फंक्शन कॉल किया था,
जिसमें कि हम आउटपुट भेजते हैं और वो हमें उस हिसाब से रिजल्ट जो हमने एचटीएमएल में जो स्पैन लिया है उसकी आईडी ली है, ठीक है, कौन सी आईडी ली है, रिजल्ट में, रिजल्ट में हम उसका इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी लेके हम आउटपुट प्रिंट करा रहे थे। देखिए एचटीएमएल में चलिए आईडी आउटपुट, ठीक है, क्या आईडी आउटपुट, ठीक। सो अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर चलिए यहाँ पे, अगर हमारा ऑपरेशन नल है, ठीक है, तो शो आउटपुट जो हमारा फंक्शन है आप उसमें बस क्या कर दीजिए, क्या भेज देते हैं यहाँ पर, आप कोई मैसेज भेज दीजिए इनवैलिड वैल्यूज, इनवैलिड एंट्री जो आपको लिखाना है, ठीक है, आपको जो प्रिंट कराना है आप करवाइए। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, फिर करती हूँ 1A3 इनवैलिड एंट्री। अब आपको यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, ये हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है, आपको उसका कलर चेंज करना है, आप बिल्कुल इस टीम में जाके सीसीएस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मैं करती हूँ ए ग्रेटर देन 8 इन अगेन इनवैलिड एंट्री, वो नल प्रिंट नहीं करेगा या कंसोल एरर तो देगा, बट साथ में हम उसको यहाँ पे अगर यूजर को अगर आपको मैसेज दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। एक सिनेरियो और बनता है हमारा, ठीक है, एक सिनेरियो और बनता है क्या, ये जो ये तो हमने ऑपरेटर के केस में भी किया, अब जब ये जो नंबर पास कर रहे हैं कौन से, अगर मैं बोलूँ 2 + 5, ये जो नंबर पास कर रहे हैं 2 और 5, यहाँ पे भी तो यूजर मिस्टेक कर सकता है, यूजर बोल सकता है 8 + 5 मीन्स व्हाट, ए एन ए एन दे दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ए एन, मीन्स नॉट अ नंबर, वो बोल रहा है कि ए नंबर नहीं है, वैसे भी दे सकते हैं 2 + b एन ए एन इट्स नॉट अ नंबर, तो क्या ऐड करेगा, तो ये मिस्टेक भी हो सकती है यूजर से, ठीक है। इसे कैसे हैंडल करेंगे, देखिए हमें किस पे लगाना है, हमें क्या चेक कराना पड़ेगा, नम ए और नम बी, ठीक है, तो यहीं पे हम प्रिंट चेक करवा सकते हैं। एन एन को हम कैसे चेक करते हैं, आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में इज नैन, ठीक है, क्या होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इज नैन, तो इज नैन फंक्शन में क्या पास करना पड़ता है, जो कि आपको चेक कराना है, क्या चेक कराना है हमको, नम ए, हम उसे बोलेंगे चेक करो नम ए, या अगर नम बी भी क्योंकि पास कर सकता है, कुछ भी एंटर कर सकता है, ठीक है, इन दोनों को चेक करो, अगर मेरा नम ए इज नॉट अ नंबर आया या नम बी नॉट अ नंबर है और या ऑपरेशन मेरा नल है, तो इन तीनों केसेस पे आप बोल दो इनवैलिड एंट्री। रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे ए प्लस 6, ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको रिटर्न करा देना पड़ेगा, ठीक है, देखिए ए प्लस 5 इनवैलिड एंट्री, ठीक है, वापस चलते हैं 5 + b इनवैलिड एंट्री, आप रिफ्रेश करके देख लीजिए 5 + b इनवैलिड एंट्री, ठीक है, 1 ? 5 ऑपरेटर यहाँ पे चेक कर रहे हैं इनवैलिड एंट्री, ठीक है। सो इस तरीके से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ये आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप खुद सोच के बताइए और कौन कौन से वैलिडेशन, क्या और वैलिडेशन का स्कोप है, क्या और वैलिडेशन लग सकते हैं, आप अगर लगा सकते हैं बिल्कुल लगाइए, फिर भी कुछ क्वेरी है आपकी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट जैस्मिन के टॉपिक के साथ, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।